बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफुर्रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सहाफ़त का सिलसिला चल रहा था, मैंने बिकाऊ अच्छे साफ़ी, बिकाऊ साफ़ी मीडिया, इनके बारे में आज मैं कुछ ऐसे साफियों का जिक्र करूंगा या ऐसे ब्लॉगर्स का या ऐसे तजियाकारों का जो हमारे माशरे में एक मिसाल है। जिनको देख के इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा, दो बहुत सीनियर हैं, शाहीन सबाई साहब, उनके कॉलम पढ़े, उनकी ज़िंदगी में, उनकी सहाफ़त की ज़िंदगी में एक तसलसल है। मोहम्मद फैसल साहब मुख्तसर लिखते हैं, मुख्तसर बोलते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं उसमें वज़न होता है। उनकी ज़िंदगी में भी एक तसलसल है, उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी में। किसी भी दौर में मैंने उनको तराजू का पल्ला झुकता हुआ नहीं देखा। जो है वो है, कह दिया, लिख दिया। इसी तरीके से कुछ बहादुर निडर साफी हैं, ब्लॉगर हैं, जो अपना काम कुछ उसलूबी से अदा कर रहे हैं, यंग है, जिस जनरेशन की मैं बात करता हूँ उसमें उनका शुमार होता है। अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे। बहादुर में अगर आप कहूँ तो जैसे मोना आलम है, मलिया हाशमी है, डॉक्टर फिजा खान है, जारिया सिद्दीकी है, एक और थी बहुत बहादुर थी, दिल से बोलती थी, सच बोलती थी, अल्लाह उसको खुश रखे। बेचारी के साथ एक हादसा हुआ, जिंदगी भी पलट गई और उसकी एक काया ही पलट गई, जासमीन मंजू। इसका क्रेडिट भी एमक्यूएम को जाता है। ये हमारे माशरे में एक ऐसा नासूर है कि अगर आपको बात नहीं पसंद आई आप उसकी मट्टी पलीत कर दें, वरना वो आपकी मर्जी के मुताबिक बोलता रहे, पढ़ता रहे, कहता रहे, आप खुश और उसकी ज़िंदगी महफूज। मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, मैं कोई इंटरनेट में और इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे वो क्लिप भी नहीं निकाल सका मैं, लेकिन मुझे बात याद है। वो हिंदुस्तान के एक चैनल पे हमारे इन लोगों का जिनका मैंने भी जिक्र किया है, मोना आलम और ये मलिया हाशमी और एक और लड़की, इनको अक्सर वो अपने न्यूज़ चैनल पर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इनको बच्चा समझ के वो पाकिस्तान को रगड़ा दें, लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए कि ये अपने साइज से बहुत बड़े लोग हैं, कद बहुत बड़ा है इनका, साफ है। वो एक एंकर ने कहा कि उस लड़की से कि उसमें वो क्या नाम है उसका, उनका जो रिटायर्ड जनरल है, पागल हर वक्त सीखता रहता है, मेरी तरह उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसके सामने और दो तीन बैठों से कहा कि उस लड़की को कहा कि आप ये बताइए कि आपकी पोजीशन जैसे कह रही है कि पाकिस्तान की जो सीट है, जो पाकिस्तान की जो ड्राइविंग सीट है वो एक गधे के हाथ में दे दी है, तो आपको कैसा लगता है ये सुन के, और आप समझती हैं कि गधा ये मुल्क चला सकता है?
चीखने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने बहुत खामोशी से बात सुनी, उसने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया और मैं खुश हो गया और मैंने उसके लिए बड़ी दुआ की। उसने कहा अच्छा, हमारे बड़े कहते हैं और मैंने सुना भी और पढ़ा भी है कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में तो हमारे बड़े जो थे उन्होंने सारे गधे हिंदुस्तान में छोड़ दिए थे, आगे आप खुद फैसला कर लीजिए। ये है, चीखने की ज़रूरत नहीं होती, गाला गलौज करने की ज़रूरत नहीं होती। दो किस्म के होते हैं, एक चीखता है, चिल्लाता है, हंगामा करता है, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वो झूठा होता है। और जो यहाँ से बोलता है, यहाँ से उसकी आवाज़ में घन गरज खुद ही पैदा हो जाती है, उसकी बात में वजन पैदा खुद हो जाता है, क्यों यहाँ से बोल रहा है। इसी तरीके से मैं अक्सर देखता हूँ मोना आलम को भी, वो भी किसी चैनल से मंसूब है, मलिहा हाशमी को भी देखता हूँ कि ये लोग भी ठीक ठाक बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं। वो डॉक्टर क्या नाम है, फिजा खान, वो भी, जवेरिया सिद्दीकी को मैंने कभी सुना नहीं लेकिन उसके ट्वीट्स मैंने पढ़ी हैं। सहाफत एक ऐसा जहाद है, एक ऐसी जंग है जो आपने 24 घंटे करनी है। जो महाज पे लड़ते हैं वो तो वक्त आने पे लड़ते हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, सीनों पे गोलियां खाते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो 24 घंटे की जंग नहीं है, सहाफत यानी कलम की जंग जो है वो 24 घंटे की जंग है। जितने अरसा आप जिंदा हैं आपने बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, लोगों को अपनी बात पहुंचानी है, उसे कलम की जंग कहते हैं और वो भी एक जहाद है। हमारे यहाँ शहीद होने का नाम अपने नाम के आगे लगाने को तो तैयार है लेकिन सच बोल के गाजी बनने को कोई तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि शायद उनका कुछ सच सुनता नहीं, सच सुनता है, सच बोलता है और सच लोगों को मजबूर करता है कि वो सुने। वो अपने आप अपने वक्त में झूठ की खबर खोद देता है। आप कितने ताकतवर हो, आप कितने बहादुर हो, अगर आपकी जिंदगी में सच नहीं है तो उससे ज्यादा मकरूह जिंदगी कोई नहीं। ये जिन दो तो मैंने बड़े साथियों का नाम लिया है जो मेरे उम्र होंगे या मुझसे 19-20 का फर्क होगा, वो तो एक उम्र के ऐसे से मैं पहुंच चुके हैं कि उनको चिराग दिखाना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं कौन होता हूँ उनकी तारीफ करने वाला या लेकिन मैं उनसे सीखता हूँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनका मैंने नाम लिया है, आने वाले दिनों में ये बहुत ख़तरनाक किस्म के साफी होंगे। लेकिन अगर ये इसी डगर पे चले, अगर ये किसी दबाव के तहत भी आए, कोई लिफाफा नहीं पकड़ा, कहीं मजबूरी नहीं हुई, तो इनसे लड़ना नामुमकिन बात है। जब ये बात करते हैं, जब ये बोलते हैं, आप इनके चेहरे को देखो, इनकी आंखों को देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये अपनी आंखों से आपको चीर देंगे। हिंदुस्तान की मीडिया की तरह नहीं, वो तो एक जमाने में था ना कि इंडियन फिल्म में आइटम सॉन्ग डाला जाता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान के जो एंकर्स हैं, जो उनका न्यूज़ मीडिया, उसमें ये 4-4 फिट की 6-7 पकड़ी हुई इन्होंने, ये एंकर आइटम जो इन्होंने रखी हुई आइटम एंकर्स, वो अपना काम कर रहे हैं। मगर मैं इन लड़कियों को, इन बच्चों को, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको इज्जत दे और इनको हौसला दे कि ये अपना काम करती रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि आपने उनका नहीं बोला, उनका नहीं बोला। मेरे ख्याल से मैं मुझे जिन जिन के बारे में बोलना था मैंने बोला, कोई एक दो नाम रह गए होंगे
बुरों में भी रह गए होंगे, अच्छों में भी रह गए होंगे, उनसे मैं माजरत कर लेता हूँ जिनके अच्छों के नाम, फिर कभी मैं वीडियो बनाऊँगा उनका नाम मैं ज़रूर शामिल करूँगा। लेकिन ये जो सहाफत का मैदान है, मान लीजिए कि आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको पैसे जो मिल रहे हैं उस नौकरी के मिल रहे हैं जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए या मुंतखब हुए, आप अपना रिस्क कितना हलाल कर रहे हैं ये आपको पता है। वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कितना हलाल कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो उनके चेहरे पे नज़र आता है। आप दोनों तरफ को उठा के देख लीजिए, कल से उनकी भी क्लिप्स निकालें, इनकी भी क्लिप्स निकालें, चेहरे पे देख लीजिए कि किसके फिटकार है और किसके चेहरे पे नूर है। बात फिर वो आ जाती सच की, पानी और सच दोनों अपने रास्ते खुद बनाते हैं। इसको बनाने की, इसके लिए कोई तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना कराची में पानी ने अपना कैसे रास्ता बनाया, कि जहाँ बंद कमज़ोर हुआ उसे चीर फाड़ की, हर चीज़ को तहस नहस किया और सबको बर्बाद करता हुआ पानी ने अपना रास्ता बना लिया। सच भी ऐसे ही एक है, अपना रास्ता खुद बनाता है और झूठ की और झूठे की कब्र खोद के रख देता है। चाहे 2 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, आप देख लें नून लीग के साथ क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है, कि सच ने उनकी खबरें खोद दी हैं। वो अलग बातों को ना माने, लेकिन सच इस पूरे सिनारियों में जब से ये दौर चल रहा है पाकिस्तान का, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, सहाफत का इस पर बहुत बड़ा काम है, मुल्क को बनाने में भी और मुल्क को बिगाड़ने में भी, लोगों की सोच को सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए, मुस्बत सोच को पैदा करने के लिए और नेगेटिव सोच को भी, उम्मीद पैदा करने के लिए और मायूसी पैदा करने के लिए, ये दोनों काम सहाफ़ी करते हैं। मगर क्या हमारे मुल्क में सहाफ़ी ऐसा कर रहे हैं चंद एक के अलावा? मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा कर रहा है, ना मैंने देखा। आप किसी भी चैनल में चले जाइए, वो बिकाऊ लिफाफा बैठ के मायूसी फैला रहे हैं, ऐसे खबर दे रहा है जैसे आज सुबह कयामत आ जाएगी। तो जहां इतना शोर हो गलाजत का, झूठ का, उसमें अगर कोई एक फूल निकल आए, उसमें कोई एक सच का चिराग लेके खड़ा हो जाए, वो अपनी रोशनी खुद पैदा कर लेता है। उसको न चीखने की जरूरत है, न चिल्लाने की, ना लोगों को पकड़ के कहने की कि मेरी सुनो। वो बात पहुंचती है उस वक्त उसकी समझ में नहीं आएगी, रात को ज़रूर सोते हुए उसके दिल में बात होगी कि यार बात तो सही कह रही थी या सही कह रहा था। हमारे माशरे में, मैं पाकिस्तान और बहुत सारे बूढ़े इस तरह से होंगे जिन्होंने देखा कि एक ज़माने जब टीवी नहीं था तो अखबारात होती थी, चाय खानों में, ढाबों पे, रेस्टोरेंट में लोग बैठ के अखबार पढ़ते थे, कॉलम पढ़ते थे, एडिटोरियल्स पढ़ते थे और उस पर डिस्कस करते थे, लोग बात करते थे। उस ज़माने में और आज के ज़माने में जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब दुनिया आपकी हथेली पे आ गई है, आप कैलकुलेट करें कि झूठ कितना आ गया है, फरेब कितना आ गया है। उस झूठ और फरेब और मकर की दुनिया में ये चंद लोग हैं जो सच का अलम उठाए चल रहे हैं। इनको सुने, इनको देखें, इनकी बात में आपको वजन मिलेगा। मीडिया मालिकान सिर्फ अपनी जात को देखते हैं, अपने मफाद को। इनसे हल्फिया पूछिए कि ये अपने लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं बोलेंगे जी हुकूमत की तरफ से पीछे से पैसे नहीं आ रहे। हालांकि पैसा बहुत है, लेकिन इन बेचारों को पैसे नहीं मिलते। खैर, मीडिया मालकान पे भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। मैंने को 20-25 चैनल्स को इकट्ठा किया है, मवाद में पर है बहुत है, लेकिन थोड़ा सा और मुझे मिल जाए उसके बाद मीडिया मालकान पे भी आऊँगा और मैं बताऊँगा
कि किस तरीके से मीडिया मालकान इस मुकाम पे पहुंचे, कैसे कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया। हम बड़ी आसानी से कहते थे अफवाह, ऐसे भी जो लोग हैं ना इस दुनिया में जिनके बारे में कोई अफवाह नहीं उड़ी, तो अफवाह के पीछे कोई तो हकीकत होती है ना, कहीं तो चिंगारी लगती है जो धुआं उठता है। मगर हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं इन सब ये सब कहते हैं अफवाह, ये इतने दूध के धुले में। बहरहाल तो ये जो हम सच की और झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सुने आप सबकी, झूठ भी सुन लें हाजमे के लिए अच्छा होता है, चूरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन सच भी सुने, कुछ सच आगे चल के आपको एक मुकाम तक पहुँचाएगा, उस मुकाम तक जहाँ आपको पहुँचना चाहिए, आपका हक है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में ये बांध लें कि आप सच कहेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, तमीज बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात करते हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं, छत की तरफ देख रहे हैं, ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, वो टाइम गेन कर रहे हैं आप कि किसी तरीके से वो बात मुझे याद आ जाए जो मैंने बात कही थी 2 हफ्ते पहले। वो 2 हफ्ते पहले की बात याद नहीं आती, लेकिन हमें 50 साल पुरानी बात याद है। तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं साफ़ी तज्जियाकार और सो कॉल्ड दानिशों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों पर रहम करो जिन्होंने आगे चल के मुल्क को चलाना है, भागदौड़ संभाल लिए, अपनी गलाजत अपने पास रखो। और अगर तुमको हजम नहीं हो रहा, तुम किसी दबाव के तहत हो, तो छोड़ दो ये काम, दूसरे कर लेंगे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, आगे आ जाएंगे, कर लेंगे। ये जो नई पौत है ये बहुत टैलेंटेड है, तुम लोग अगर रिटायरमेंट ले लोगे तो अपने साथ साथ इन बच्चों पे भी एहसान करोगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी। अब मैं आखिर में बच्चों से मुखातिब होऊंगा। आज आप लोगों ने इमरान खान का इंटरव्यू सुना होगा जो उसने अल जज़ीरा को दिया है। उनका एंकर जो था हाशिम, उसने बड़े तुर्श सवालात किए और इमरान खान ने जवाब दिए। मैंने सुना इस इंटरव्यू के ऊपर। मैं एक आध दिन के अंदर एक प्रोग्राम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश में इंटरनेशनल मीडिया के लिए और दुनिया उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी समझते हैं उर्दू नहीं समझते। इमरान खान ने जो बताया, ये मैं बच्चों से इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों ने बहुत वोट दिए थे। इमरान खान ने बताया कि दुनिया को हर आदमी अपनी नज़र से देखता है। एक नज़र वो है जो अमेरिका की है, हम नहीं तो कोई नहीं, यह हिंदुस्तान देखता है, हम नहीं उसको इमरान खान ने डिस्क्राइब किया कि हम दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं। ये हमारा मुल्क है, हम आज़ाद कौम हैं, वो लड़ रहा है और मुखालिफीन मुनाफकीन उसके पैरों के नीचे ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बच्चों ये याद रखना कि वोट देने का मतलब ये नहीं होता कि हमने वोट दिया है तो अभी हमको हिसाब दो। वोट देने का मतलब ये होता है कि तुम उसके साथ खड़े हो, उसका हौसला बनो, उसकी हिम्मत बनो, उसको उस यकीन पे लाओ कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह तुम्हारे साथ है। 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तब तुम दूसरा बने फैसला कर लेना, लेकिन उसको मौका दो। इन सारे बेगरतों को मौके दिए, ठीक ठाक मौके दिए, और तुम देखो कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या किया, तुम्हारे बड़ों के साथ क्या किया। ये बात हमेशा याद रखो बच्चों कि आप लोग वोट देने के बाद आप ये मत समझो कि आज ये दुनिया तब्दील हो जाएगी। हम एक बात, ये हमारा ईमान है ना कि हम अल्लाह के नाम पर जो चीज़ देते हैं वो 70 गुना हमको मिलती है, ये यकीन है ना, हमारा ईमान है।
तो क्या रातों रात मिल जाती है? अगर हमने रात को किसी को एक रोटी दी तो सुबह हमारे पास 70 रोटियाँ होंगी? नहीं, उम्र के हिसाब से आपको 25 में वो आपको मिलती है और उसमें इजाफा होता रहता है। आपने अगर वोट दिया है तो आप उसके साथ खड़े होइए। वो पूरी दुनिया से भी लड़ रहा है, अंदर भी लड़ रहा है और बाहर भी लड़ रहा है। मैं कोई उसका वो पीआर नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जैसे हम सब ने, आपने, मैंने, सब ने वोट दिया है, सिर्फ उसको इतना साथ दे दो कि ऐन मौके पर ये ना कहे कि मुझे अक्सरियत तो दी नहीं थी और बीच में तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब तक वो लड़ रहा है उसके सिपाही बन जाओ। आज के लिए इतना ही काफी। अपनी प्यार मोहब्बत और दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो कल फिर हाजिर हूंगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।